सब्सक्राइब कीजिए डीसी स्टूडियो चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इतिशी स्टूडियो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हर एक टीमों के बारे में, ऐसे में कौन क्या कर रहा है और कब खेलने वाला है, क्या तैयारी चल रही है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत मजा आएगा, आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एफसी गोवा के बारे में। ऐसे में अगर देखा जाए एफसी गोवा की जो भी प्री सीजन था काफी मजेदार था, काफी अच्छा जो खेला और जैसे ही वापस आया और एयरपोर्ट में बहुत सारे जो फैन देखा गया है। तो फिर उनके अलावा अगर बात करें जमशेदपुर की, तो फिर ऐसे में अगर देखा जाए जर्सी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला, लेकिन एक जर्सी का बैक साइड हमें देखने को मिला अभी के लिए। तो फिर आगे जाकर शायद हो सकता है पूरी जर्सी देखने को मिलेगा खेल शुरू होने से पहले, अगर मिल जाए तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिर इसी तरह की कुछ जर्सी होने वाले हैं जैसे कि इससे पहले भी था, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। हालांकि इसमें कुछ स्पॉन्सर साइंस हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है ये टाटा कंपनी की टीम है और ऐसे में स्पॉन्सर साइंस होने का चांस ही नहीं है। उसी के साथ साथ अगर बात करें सुब्रतो पॉल भी है बिल्कुल तैयार आगे जाके खेलने के लिए और ऐसे में अगर देखा जाए कुछ फोटो वगैरह भी हमें मिल रहे हैं अभी। अभी बात करें एटीके के बारे में, तो फिर एटीके बहुत सारे फोटोज मुझे मिला, बहुत सारे फोटोज अभी मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए एटीके पूरी जोरों शोरों से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि आईएसएल खेलने के लिए पूरी तैयारी में है। तो फिर अभी हम बात करते हैं एटीके के स्पॉन्सर के बारे में। तो फिर इससे पहले एयरसेल के स्पॉन्सर देखा गया था, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस साल जो स्पॉन्सर देखने को मिलेगा सीई एस सी के स्पॉन्सर देखने को मिलेगा। हालांकि सी एस सी का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इस ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हम बात करें एटीए की जर्सी के बारे में, कौन सी जर्सी कब पहनने वाला है। तो फिर सबसे पहले देख लेते हैं होम जर्सी क्या है। तो फिर होम जर्सी तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी जो सी जर्सी को पहना था जो कि रेड व्हाइट का जर्सी है वही पहनने वाले। तो फिर उनके अलावा अगर बात करें किसी और स्टेट में, यानी कि किसी और टीम की होम ग्राउंड पर खेलने वाला है, तो फिर पहनेगा कुछ इस तरह की जर्सी। और अगर हो जाते हैं ट्राई, यानी कि दोनों टीम की जर्सी सेम सेम हो जाता है, तो ये जर्सी पहनने वाला है। अभी हम बात करें नोटिस यूनाइटेड एफसी की जर्सी के बारे में। तो फिर नोटिस यूनाइटेड एफसी की जर्सी में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है। इससे पहले जिस टाइप की जर्सी देखने को मिला था, यानी कि जिस कलर की जर्सी देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही इस पर भी देखने को मिल सकता है। तो मैंने आज की वीडियो में बात सीखने है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।